जो तंबाकू का सेवन करते हैं या सिगरेट का सेवन करते हैं, ऐसा नहीं, पुरुष बल्कि स्त्रियां और बच्चे भी इस लत से ग्रस्त हैं, जो कि बहुत ही नुकसानकारी है हमारे जीवन के लिए। हमारे जो ये सुंदर सा जीवन ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, मनुष्य का जीवन, हम जिस कर्म को करने के लिए आए हैं वो कर्म से हम वंचित हो सकते हैं अगर इस तरह की लत में, इस तरह के व्यसन में अगर हम ग्रस्त हो जाते हैं। धूमपान की लत हमको लग जाती है, तंबाकू का सेवन अगर हम करने लग जाते हैं, ये हमारे जीवन के लिए घातक है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। और यही नहीं, हमारे लिए अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे आसपास का जो परिवेश है, वातावरण है, उसमें भी ये जहर घुलता है, उससे कि उस आगोश में आने वाले जितने भी लोग हैं वो भी इससे ग्रस्त होते हैं, उनको भी नुकसान होता है। इसलिए जो तंबाकू है, तंबाकू का सेवन, ये दोनों ही नुकसानकारी है। जो ये धुआं जो है, एक तो तंबाकू से, तंबाकू का सेवन करने से या इससे होने वाला धुआं या फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वो केमिकल्स जो यूज होते हैं उनका जो है धुआं, वाकई ही वो भी खतरनाक हमारे शरीर के लिए भी है, हमारी वनस्पति के लिए है, हमारी जो जो हमारा एग्रीकल्चर है इसमें भी बड़ा नुकसान करता है और वातावरण को खराब करता है। हमारा जो सौर मंडल है, इस में होने वाले जो क्रियाएं हैं उसके अंदर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये धुआं जो है अनेक तरह से हमारे वायुमंडल में मिल करके हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो निकोटीन जो है तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला तत्व है, जिसकी वजह से ये तंबाकू हानिकारक है, ये अगर हमारे शरीर में 2 से 3 बूंद जो है अगर इसकी चली जाती है निकोटीन की, हमारे लिए बड़ा नुकसानकारी है। यानी 60 मिलीग्राम तक अगर हुई तो बहुत ही फैटल डोज हो जाती है इसकी। एक सिगरेट जो कोई स्मोक करता है उसके अंदर जो निकोटीन है, निकोटीन एक तंबाकू के अंदर जैसे 100 ग्राम तंबाकू है उसके अंदर 0.6 ग्राम से लेकर के 8 ग्राम तक जो है निकोटीन उसमें उपलब्ध होता है, उसमें मिलता है। तो 8 ग्राम तक का जो निकोटीन होता है वो एक फैटल डोज है, एक मारक डोज है। वो मारक डोज जो होती है, यानी ऐसी मात्रा जिससे कि प्राण का हनन हो सकता है, ये मात्रा हमारे लिए घातक होती है। तो जो सिगरेट पीता है उसमें 1 ग्राम तक, जो एक जो सिगरेट है उसके अंदर 1 बूंद जो है निकोटीन की, इतना मात्रा में सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है जो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। स्लो पॉइजनिंग भी शुरू हो जाती है उन लोगों को जो शुरू शुरू में सिगरेट का पान करते हैं, लेकिन क्रॉनिक स्टेज में आकर के, जीर्ण अवस्था में आकर के इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो कि आगे जाकर घातक बनते हैं।